मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा आज, यहां जोधपुर और अजमेर जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत। जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर जोधपुर जाएंगे। आपको बता दें कि जोधपुर के पावटा चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत। 2 बजे जोधपुर से अजमेर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला की चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जोधपुर और अजमेर जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत। अपने बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही जोधपुर और अजमेर जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत। आपको बता दें कि जोधपुर में पावटा चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत जो कि उनके बेटे हैं उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2 बजे जोधपुर से अजमेर पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला की चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी इनके साथ आज मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा बता रहे हैं आपको, जहां जोधपुर और अजमेर जिलों के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर सबसे पहले जोधपुर जाएंगे। जोधपुर में पावटा चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं क्या अपडेट आपके पास। लवीना, लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 जिलों में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, जोधपुर से वैभव गहलोत जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं और अजमेर से रिजू झुनझुनवाला जो भी युवा प्रत्याशी हैं, दोनों आज नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अभी अजमेर जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर में मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। बेटे वैभव गहलोत के नामांकन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आज एक जनसभा भी होगी। जनसभा को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं या कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा है, वो भी संबोधित करेंगे। साथ ही इसके बाद अजमेर में भी जो रिजू झुनझुनवाला है वो आज नामांकन दाखिल करेंगे और उनकी भी एक सभा होगी। सभा को सीएम और डिप्टी सीएम प्रभारी अविनाश पांडे और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 सभाएं आज कांग्रेस की रखी गई हैं। दोनों ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का महाराष्ट्र दौरा भी है। लवीना, महाराष्ट्र के लातूर में एक जनसभा होगी, उसको उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है कांग्रेस? देखिए लवीना, नेशनलाइज मुद्दे बहुत है। सचिन पायलट चूंकि देश भर में प्रचार कर रहे हैं, उत्तराखंड में गए थे और आंध्र प्रदेश में भी सचिन पायलट यूपी में भी प्रचार करके आए। जो नोटबंदी का मुद्दा हो, जो भी पिछली सरकार की फेलियर रही है, जीएसटी को लगातार कांग्रेस ने राफेल मुद्दे को लगातार बुनाया है, ऐसे तमाम नेशनलाइज मुद्दे जो जिनके आधार पर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और पिछली मनमोहन सरकार में जो कांग्रेस ने कार्य किए, अब मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, 150 दिन का नरेगा का कार्य है वो 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा, न्यूनतम आय गारंटी जो अधिकार दिया जाएगा, तमाम ऐसी बातें जो कांग्रेस कर रही है। जी दिनेश, पहली जो जनसभा आज होनी है सीएम गहलोत की, उसके लिए क्या अपडेट है, कितने बजे होगी वो जनसभा? देखिए लवीना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी फिलहाल जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। कुछ ही देर में उनके बेटे वैभव गहलोत जो जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, आज सीएम गहलोत जोधपुर और अजमेर दौरे पर हैं और कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।